कोतवाल में ड्यूटी पर शराब के नशे में एक होमगार्ड ने कोतवाली इलाके में जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान भी नशे में धुत होमगार्ड खुद को कोरोना पेशेंट बता रहा था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने होमगार्ड के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पीलीभीत के बिलसंडा में देर रात पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। दरअसल गश्ती पुलिस कर्मियों को एक फौजी कुछ ग्रामीणों के साथ दिखे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने घर जाने की बात कही। इसी के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान सिपाही और फौजी सहित कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉर्बेट पार्क में शिकारियों के डर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पार्क प्रशासन को कॉर्बेट नेशनल पार्क की यूपी से लगी सीमाओं पर बाबरिया गिरोह के होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाघों की गिनती के लिए लगाए गए 2 कैमरे भी चोरी हुए हैं। देखिए, लॉकडाउन पीरियड में लगातार जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे WCCB और उसके अलावा और इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके साथ साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अपनी SOG, उनके माध्यम से ये लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि कुछ शिकारी गिरोह जो हैं वो कॉर्बेट के बाउंड्रीज पे और सेंसिटिव एरियाज पे सक्रिय हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पेट्रोलिंग एफर्ट्स हैं उनको काफ़ी इंटेंसीफाई कर दिया गया है। हापुड़ की सिंभावली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले मुनीम से हुई लूट के मामले में दोनों आरोपी वांछित थे। जिला प्रशासन ने दोनों बदमाशों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर में ईंट मार दी। मौके पर मौजूद एक अन्य युवक ने घायल के परिजनों को मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एक साथ बैठ करके दारू पी रहे थे, उसी में किसी वजह से आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो मनीष सोनकर है और उसकी हालत गंभीर थी, उसको ये हॉस्पिटल लेकर के गई है टीम। उसमें वो और एक आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी के लिए जो है दबिश जो है वो दी जा रही है। सर, जो अस्पताल पहुँचा गया, स्थिति क्या होगी? अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली है कि डॉक्टर ने उसको मृत घोषित जो है वो कर दिया है। सितारगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में उसके सौतेली मां सहित पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या उसकी सौतेली मां ने दुपट्टे से गला घोंटकर की थी। आपको बता दें कि आरोपियों ने पुलिस को बेटी के खुदकुशी करने की खबर देकर गुमराह करने की कोशिश की थी। शक्ति फार्म में सूचना मिली थी कि बच्ची ने 12 साल की बच्ची है, उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पर उसका PM कराया बच्ची का, तो बच्ची का स्ट्रैंगुलेशन आया। उस आधार पर फिर उसके जांच की गई और जांच में पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मजदूर रेल की पटरियों के सहारे यूपी और बिहार के लिए निकल पड़े हैं। सड़क पर पुलिस मुश्तैदी के कारण इस बार मजदूरों ने रेल पटरियों का रास्ता चुना है। मजदूरों का कहना है कि सड़क पर पुलिस उन्हें बेवजह मारती है। इस तकलीफ से बचने के लिए वो रेल पटरी के किनारे सफर कर रहे हैं। जब क्या करते थे चंडीगढ़ में? करते मजदूरी करते थे। अच्छा, 1 महीना 10 दिन हमने काटा, यानी हम 2 मार्च को गए थे चंडीगढ़ और हम वहाँ 1 महीने 10 दिन को इसमें थे, लॉकडाउन में पूरा देख लिया। फिर वहाँ से मालिक बोला कि भाई साहब अब लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, आप जा सकते हो। तो पैसा जो था हमारे पास वो हो गया। 1 महीने सरकार ने फ्री दे रखा था कि किराया नहीं देना। 1 महीने हमने काटा और ना उसने मांगा। 1 महीने 10 दिन जब बीता तो बोला भाई साहब आप जा सकते हो, अब हमें भी रहना है क्योंकि शादी हमारी है, अब रूम खाली कर। रुड़की के टांडा कल्याणपुर इलाके में एक बार फिर रास्ते को लेकर ग्रामीण और सेना के जवान आमने सामने आ गए। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। दोनों तरफ से हुए पथराव में एक महिला घायल हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। संभल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दबंगों के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। लॉकडाउन के बीच इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दबंगों के प्रधान से विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रधान पक्ष के लोग भी मौके पर आ गए। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
काशीपुर में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर में रखी मूर्तियों सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। चामुंडा मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के ताले खोले तो अंदर का नजारा देखकर वो भी सन्न रह गए। मंदिर में मां सरस्वती और बालाजी की मूर्तियां गायब थीं। मंदिर के दान पात्र से नकदी भी गायब थी।